हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मोहम्मद एंड बियॉन्ड। इस वीडियो में मैं आपको बेबी हक का 6-in-1 स्टरलाइजर स्टीमर कम वार्मर का रिव्यू दूंगी। आइए चलिए इसको देखते हैं। जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो आई रियलाइज दैट इट इज़ अ वेरी इजी टू यूज काइंड ऑफ अ गैजेट। सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर बॉटल को आपको स्टरलाइज करना है तो ये है इसकी बेस यूनिट। इसकी में आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पानी डालना होता है, देन आपको स्टीमर का जो जार है वो डालना होता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द बॉटल्स। भाई मेरे पास बॉटल्स नहीं है तो आई एम शोइंग यू विद दीज इन्वर्टेड ग्लासेस। स्टरलाइजर की सेटिंग पे से प्लग करिए और देखिए आपकी बॉटल्स हो जाएंगे स्टरलाइज। फिर अगर आपको फूड को स्टीम करना है या वार्म करना है तो अगेन बेस यूनिट पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आप पानी डालेंगे, और जो फूड आप उसे वार्म करना है उसको आपको स्टीम कप में डालेंगे एंड स्टीम कवर लगा के उसकी लिड लगा के अगेन प्लग करके आप इसे छोड़ देंगे इसकी स्टीम की सेटिंग पे। जैसे यहाँ पे मैं ब्रोकली आपको कट करके दिखा रही हूँ और मुझे इसको स्टीम करना है। लेट्स से आई हैव टू गिव दिस एज अ फिंगर फूड। ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू पुट वाटर, एंड उसके बाद इसमें लिड लगाएंगे, इसका कवर लगाएंगे एंड आप इसको स्टीम की सेटिंग पे देखिए। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे बॉटल को वार्म करना है, कप खाने को गर्म करना है, या इवन एग्स अगर आपको बॉईल करना है, तो हर सेटिंग आपको दी है एंड अपने अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए स्टीम यहाँ पे ब्रोकली स्टीम हो रही है। आपको और अगर मुलायम करना है, सॉफ्ट करना है, तो आप और थोड़ी देर के लिए हीट कर सकते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म ब्रोकली एज अ फिंगर फूड तैयार। अब अगर आपको एग्स को बॉईल करना है तो जो मेंशनड क्वांटिटी है इसकी लीफलेट पे उसके अकॉर्डिंगली इसमें पानी डालिए, ट्रे लगाइए एग की, उसमें ट्रे इसको एडजस्ट करिए एंड आफ्टर दैट पुट द स्टीम लिड एंड द स्टीम कवर, और अब इसको एग्स को बॉईल करने की सेटिंग्स पे ऑन कर दीजिए। इसकी नॉब को घुमा दीजिए। नाउ फ्रूट जूस निकालने के लिए आपको कोई भी वाटर ऐड करने की बेस यूनिट में ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आपके एग्स तैयार। आप सिंपली जूसर लगाइए और ऊपर सिट्रस फ्रूट को आप प्रेस करके उसका जूस निकाल सकते हैं। इजी। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑल द मॉम्स जिनको फटाफट किचन में काम करना होता है, घर का भी काम करना होता है। सो दिस प्रोडक्ट इज रियली रियली गुड, वेरी यूज। थैंक यू बेबी हग।